नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से और झटपट बनने वाली आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से आलू गोभी बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गोल लगते 500। तो आज के रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर आधा किलो फूल गोभी। फूल गोभी को ऐसे हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। गोभी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 3-4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे तेल और तेल को हम पहले गर्म करेंगे। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम सबसे पहले फूल गोभी डालेंगे। फूल गोभी डालने के बाद हम 3 मिनट पहले मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे आलू। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके गोभी को फ्राई कर लेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। 2 से 3 मिनट मैंने फूल गोभी को फ्राई कर लिया है। अब देख सकते हो बस हल्का गोभी का कलर चेंज हुआ है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे आलू। आलू डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में फिर से फ्राई करेंगे, जब तक आलू और गोभी का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो आलू गोभी को हम बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आलू और गोभी को मैंने 3 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो आलू और गोभी का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस में काट के। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार। एक बार हम मिक्स करेंगे। टमाटर को हम पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे, बस एक बार मिक्स करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। अब हम डालेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ड्राई मसाले डालने के बाद हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम में और फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे पानी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक बार मेरे तरीके से ये आलू गोभी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी खाने में। तो मसाले डाल के मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं और अच्छे से आलू गोभी हमारा भून चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे करीब 1 कप पानी। एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके सब्जी को ढक देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ढकने से पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने का वेट करेंगे। डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक बार मिक्स करके हम पैन को कवर कर देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है तो पैन को कवर कर देंगे हम 6 से 7 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए सब्जी को हमें ढक के पकाते हुए। आलू हमारा हल्का सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम एक तड़का पैन में ले लेंगे 2 चम्मच तेल
और तेल को हम पहले गर्म करेंगे। अगर आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा लगे तो आप तेल कम करके भी ले सकते हो। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, सबसे पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और डालेंगे हम एक चम्मच पाँच फोड़न। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और डालेंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच हींग। तड़का हमारा रेडी है। पांच फोड़न आप घर में किस तरीके से बना सकते हो उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। जो तड़का हमने तैयार किया था वो डाल देंगे हम सब्जी में। एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम हम मीडियम करके ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। दो से तीन मिनट बाद हमारा आलू गोभी बनके तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये जो हमने पांच फोड़न और हींग का तड़का लगाया, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बिना प्याज अदरक लहसुन के एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चावल रोटी के साथ खाने में। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया और सब्जी को खोल के 1 मिनट के लिए और ड्राई कर लूँगी। 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी को इससे ज़्यादा और ड्राई नहीं करेंगे हम। और आप देख सकते हो जो टमाटर हमने डाला था पूरी तरीके से टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से हल्का जब ग्रेवी रहता है ये सब्जी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब्जी हमारा बनके तैयार है, हम सब्जी को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और ये सब्जी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये आलू गोभी की रेसिपी को एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।